प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण की भक्त व कवियत्री मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लेने मथुरा पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर गर्भगृह में पूजा और दर्शन किया। वे भागवत भवन के लिए ऊपरी तल पर गए। पीएम मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, पुजारी सहित कुल 17 लोगों ने भागवत भवन में पूजा की। यहां पीएम मोदी ने मीराबाई के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। वे इस अवसर पर आयोजित होने वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। यह कार्यक्रम मीराबाई की याद में साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत आज का प्रतीक है। उन्होंने कई भजनों व छंदों की रचना की जो आज भी लोकप्रिय है। माँ गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपके सेवा में लीन हो गया। मेरे परिवारजनों, मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है, ये भारत की प्रेम परा का उत्सव है। ये उत्सव नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है। जिसे कोई अद्वैत कहता है, आज इस महोत्सव में अभी मुझे संत मीराबाई के नाम पर स्मारक सिक्का और टिकट जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मीराबाई राजस्थान के उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सींचा था। मीराबाई ने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को बहुत ही आसान भाषा सहज रूप से समझाया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे, उनकी श्रद्धा में आयोजित ये कार्यक्रम हमें भारत की भक्ति के साथ साथ भारत के शौर्य और बलिदान की भी याद दिलाता है। मीराबाई के परिवार ने और राजस्थान ने उस समय अपना सब कुछ झोंक दिया था। हमारी आस्था के केंद्रों की रक्षा के लिए राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आज का यह समारोह हमें मीराबाई की प्रेम